हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग 1200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान बनाया जाएगा, बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। और एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्यूशन आसान होगा। जिसे यहाँ पर भी मैंने एक कंसेप्ट लिखा है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है ये। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, इसी पर आधारित हमारा ये टॉपिक चलेगा आज का, चैप्टर नंबर 12 पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, और साझेदारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ए बी और सी ने क्रमशः 55,000, 65,000 और 75,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। निवेश यानी कि एक व्यापार में पैसा लगाकर शुरू किया। देखो, लिखेंगे ए ने 55,000 रुपये लगाए, बी ने 65,000 रुपये लगाए और सी ने 75,000 रुपये लगाए। क्लियर। ए एक कामकाजी साझेदार है, यानी कि ए ऐसा साझेदार है जो काम भी करता है। पैसा तो उसने लगाया ही है, बट उस बिजनेस में काम भी कर रहा है अलग से, तो लाभ का उसे 20% प्राप्त होता है। यानी कि जो भी उन्हें तीनों को लाभ होगा, उसमें से पहले ए का 20% लाभ निकलेगा, यानी कि ए को 20% लाभ मिलेगा। उसके बाद बचे हुए, यानी कि बचा हुआ 80% रह जाएगा, 80% को शेष उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। तो कुल लाभ यदि 87,750 है, ए का हिस्सा बताना। क्लियर। पहले देखिए, इसको छोटा करेंगे, 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो काटा, छोटा रेशो में लेंगे क्योंकि उनके आनुपातिक रूप में भी धन बटेगा। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 13 बार और 5 से काटेंगे 15 बार। क्लियर। अब देखो, यदि उसका लाभ है 87,750, 87,750 रुपये के लाभ में से सबसे पहले क्या करेंगे हम, 20% जो लाभ है वो निकालेंगे, क्योंकि ए को बांटना है ना, तो ए को 20% मिलेगा प्लस अपनी पूंजी का लाभ मिलेगा, टोटल ए को मिलेगा। तो कितना मिला है इसको, 20% होता है इसका 1/5, इसका 1/5 हिस्सा हो गया ए को जो मिलेगा। 5 कम 5 3 हो गए 37, 5 7 35, 2 27 हो गए, 5 5 25, 5 5 25 0, ये हो गया 17,550, ये मिलेगा। तो ए को 17,550 रुपये तो ये मिलेगा। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा रह गया 80%, 80% कितना रह जाएगा, इसमें से घटाएंगे हम, वह इन तीनों में बांटा जाएगा। अब देखिए शेष कितना रह गया, अगर हम देखें शेष राशि यहीं पर ही देखेंगे, इसमें से घटा लेंगे 0, ऐसे 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 7 गए 0, 8 में से 1 गया 7, इतना शेष राशि रह गया। अब इस शेष राशि को इनके अनुपात में बांटा, 5 3 8 1 9 और 1 2 3, यानी कि 39 में बांटे, 39 में 39 हो गया इनका जो रेशो का योग है, 39 उसमें बांटा ये, चलिए अब इसको बांट देते हैं। 1 रेशो की वैल्यू का मालूम करेंगे कितना हो गया, 13 3 39, 13 5 65, 13 4 52, 3 से 1800 बार कटेगा, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 1800। 1800 की गुणा करेंगे 11 में, क्योंकि हमें ए का हिस्सा बताना है, ए को कितना मिला, 11 के रेशो में करेंगे, 11 0 0 11 0 0, 11 8 88, 8 11 8 19, 11 8 19,
जीरो पाँच आठ पाँच तेरह दस सात सत्रह ये हो गया 37,350। लीजिए 37,350 रुपये मिलेंगे ए को। तो देखो सिंपल बिल्कुल आसान तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको बताया है, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ए बी सी का रेशो यह है, सबसे पहले ए ने अपना 20% लाभ निकाला और उसके बाद शेष को तीनों के अनुपात में बांटा गया और बांटने के बाद ए को 20% ये मिला और 11 के रेशो का ये वाला मिला। टोटल ए को मिलेगा 37,350 रुपये और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 37,350। क्लियर? आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी कुछ थोड़ा सा इसी टाइप का है, बट चेंज है इसमें थोड़ा। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी ने 55,000 65,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। तो देखिए ए बी सी ने शॉर्टकट लिखेंगे 55, शॉर्ट लिखेंगे जीरो हटा देंगे 65, क्योंकि बाद में भी कटेंगे ये 75, और छोटा लिखेंगे 5 से 11 बार, 5 से 13 बार और 5 से 15 बार काटा। क्लियर? अब देखो क्रम से निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए काम करने वाला साथी है, यानी कि वही काम करने वाला है और लाभ का 20% काम भत्ते के रूप में उसे मिलता है ए को। शेष उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को प्राप्त धन 27,000 रुपये है तो कुल लाभ बताए कितना है। देखो सिंपल सी बात, 20% तो ए को मिल ही गया, 80% को उन्होंने तीनों ने आपस में बांटा। तो देखो पहले हम देखेंगे क्या है, टोटल हमारा हो गया इन सब का 39 में सी का जो रेशो है 15 है। क्लियर? ध्यान से देखो, और यह जो है 80% का है, क्योंकि 20% तो ए ने ले लिया, शेष बचा हुआ 80% बटा इनमें। 80% को कैसे लिखेंगे, 4/5 लिख देंगे 80% को, और बराबर होगा ये 27,000 रुपये के। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म बनी है, यहाँ पर भी हमारी देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्म बनती है इसके रूप में, और यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म बनता है। तो बस इक्वल टू इक्वल ही सब जगह लगता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता जहाँ इक्वल टू इक्वल ना लगता हो, यानी कि ये हमारा कॉन्सेप्ट ना आता हो, हर दुनिया के क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ से हमें कुल लाभ आ जाएगा। जो हम इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ से कुल लाभ आ जाएगा 100% कुल लाभ। चलिए कटिंग करते हैं, 5 * 3 = 15, 3 से मैंने 13 बार इसको काटा और 4 से मैंने इसको काटा, कटिंग करिए, 4 * 6 = 24, 3 * 4 = 28, 2 * 4 = 5 = 20, 0। अब 13 की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेंगे हम कुल लाभ, तेरह जीरो जीरो, 13 * 5 = 65, 6 * 13 = 91 और 6 * 97 = 89, 13 * 6 = 78 = 87। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 87,750। 87,750 रुपये का कुल लाभ था और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान और सरल तरीके से क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने होगा। ए बी सी ने क्रमशः इतने इतने और इतने रुपए का निवेश किया। चलिए लिख देते हैं 13 * 75 = 0, 16 * 25 = 0, 18 * 75 = 0, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0। अब इसको हम कटिंग करेंगे, 25 से काटेंगे इसको 55 बार, ये 65 बार, ये 75 बार कटेगा 125 से। देखिए 25 से मैंने इसे काटा, 25 * 5 = 125, फिर 25 * 5 = 125 और 25 * 6 = 150,
और 25 पंजे 125 यानी कि 25 से मैंने इसको काट कर छोटा किया, और छोटा हो जाएगा 5 से 11 बार, 5 से 13 बार और 5 से 15 बार। क्लियर है? ये आ गया ए बी सी का रेशो जो पूंजी का रेशो है। अब इसमें ए काम करने वाला साथी है और लाभ का 20% काम भत्ते के रूप में प्राप्त करता है ए, शेष उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। यदि कुल लाभ है हमारा, कुल लाभ है 21,93,75, ये अगर कुल लाभ है 21,93,75 तो सी का हिस्सा क्या है? अब देखिए सी का हिस्सा बताने के लिए ये जो बांटा जाएगा ए बी सी में, ये 80% बांटा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ए ने 20% जो है काम करने का जो हिस्सा बैठा उसके लाभ का वो 20% ले लेता है, बाकी 80% को हम 4/5 लिख लेते हैं। ये लाभ का 80% इनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। अब इनकी पूंजी का अनुपात है, टोटल इनकी पूंजी का योग होगा 39 और सी का हिस्सा है उसमें 15। अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो सी को मिला हिस्सा हमें मालूम हो जाएगा। देखो 5 × 15, 3 × 13 बार काटा और 13 मैंने इसको काटा, 13 × 13 8 बचे रह गए, यहाँ पर 8 हो गए 89, 13 × 6 = 78। देखिए 89 में से हमने 78 घटाया, 11 बचेंगे, हो गए यहाँ 113, तो 13 × 8 = 104, 9 बच गए, हो गए 97, 13 × 7 = 91, 6 × 13 = 65। कटिंग हो गई, देखो बिल्कुल आसान और सिंपल। अब बस 4 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30, 3 + 8 = 32 और 3 = 35, 3 + 8 = 16, 4 = 64, 3 = 67, ये आ गया हमारा 67,500। देखिए 67,500 ऑप्शन सी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 67,500। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। ए बी सी साझेदार है, वे 5, 3 और 6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। लाभ में ए का हिस्सा 19,23,80 है, यानी कि 1,92,380 रुपये ए का हिस्सा है, तो सी का हिस्सा हमें बताना। सीधी सी बात है, देखें 5, 3 और 6 के अनुपात में लाभ मिला है, इसमें ए का हिस्सा दिया है, इसके इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लिखेंगे, ए का रेशो इतना है, यहाँ ए का हिस्सा है 1,92,380। 5 से मैंने काटा इसको, 5 × 3 = 15, 4 × 8 = 40, 5 × 6 = 20, 5 × 24 = 20, 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 36। क्लियर? सी का हिस्सा पूछा है, सी में गुणा करेंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा, देख लीजिए 6×36। देखिए इकाई अंक 6 आ गया तो इकाई अंक इसमें है, तो बस यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा करते ही इकाई अंक से ही पता लग जाएगा 6×36, इकाई अंक 6 और किसी में भी नहीं है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 23,085,6। ये आ गया सी का हिस्सा, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 3 साझेदार ए बी सी 3, 4, 7 के अनुपात में लाभ या हानि साझा करते हैं। ए बी सी 3, 4 और 7 के अनुपात में लाभ या हानि साझा करते हैं। यदि 30% कर लगने से पहले वर्ष के लिए लाभ कितना है, यहाँ पर 11,0166, तो कर के बाद लाभ में बी का हिस्सा हमें बताना। कर के बाद 30% कर देने के बाद 70% लाभ रहेगा ये, और इसमें मुझे बी का हिस्सा बताना है। बी कितना है हमारा,
बी है यहाँ पर हमारा चार और टोटल कितना 7 और 4 11 3 14। इसमें हमें बी का हिस्सा बताना, तो लीजिए इसको हल कर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान और सिंपल हो जाएगा आपके सामने, 0 से 0। और भैया मैंने क्या किया, 2 × 4 = 14, 7 से मैंने 7 को काटा ऐसे, और अब मैंने 2 से गुणा कर दी यहाँ पर, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 13, हासिल 1 2 × 2 = 3, 2 × 0 = 11 × 22, 10 से भाग दिया मैंने यहाँ पर, याद 22 × 0 = 33.2। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही आसान और सरल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, देखो बिल्कुल ईजी और आसान आपके सामने किया। और मैंने आपको बार बार बताया है कि दुनिया में केवल दो ही तरीके से मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है, केवल दो तरीके से, केवल दो, और वो दो तरीके ये हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये वाला लगा है, संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशियो या परसेंट, ये रहा संख्या पर ही, या तो ये वाला लगेगा या क्वेश्चन में ये वाला नियम लगेगा, बस दो ही पॉइंट है केवल। दुनिया के हर एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा इन्हीं से हल किया जाता है, यही होते हैं। तो फ्रेंड्स बस ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, इसको सीखिए और मैथ को आसान बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी 3, 4, 5 के अनुपात में एक फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट के भागीदार है, यदि वे 4% मुनाफे को आपातकालीन धन के रूप में सेट करते हैं। 4% यानी 100% का मतलब 100 यूनिट होता है, उसमें से 4% मुनाफे को आपातकालीन धन में, तो बाकी कितना रह गया, 100 में से 4% मुनाफा आपातकालीन धन के रूप में, तो बाकी शेष लाभ 96% रह जाता है, ऐसे 96%, या इसको 96 कह दीजिए, एक ही बात है, इसको 4 कह दीजिए। शेष लाभ साझा करते हैं, अब देखिए इनके ए बी सी के जो अनुपात है वो 3, 4 और 5 के अनुपात में फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट में भागीदार है ये। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, शेष लाभ साझा करते हैं, अब देखो शेष लाभ साझा, 4% मुनाफे को आपातकालीन में लगा दें, शेष लाभ को इस साझे में बांट लेते हैं, तो देखो हमारा 96 है इधर, 5, 4, 9, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 8, 96, 8, 3, 24, 8, 4, 32 और 8, 5, 40, ये हुआ, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, यदि बी के लाभ का हिस्सा इतना है, इक्वल टू इक्वल करेंगे, देखिए इक्वल टू इक्वल, ये वाला एक साइड में संख्या दे दी हमें बी के लाभ की कितनी है, 18, 14, 00, और इधर हमारा बी का जो रेशो है वो 32 है, तो आपातकालीन निधि के लिए अलग से लाभ की राशि थी हमारी 4, ये वाली 4 से गुणा करेंगे, बस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कटिंग कीजिए, 4 × 8 = 32 और 8 से इसको काटिए, 8 × 2 = 16, 2 = 21, 8 × 2 = 16, देखो 22 देख लो किस में आ रहा है, तो 22 हमारा इसमें आ रहा है, बस कटिंग से भी बच जाइए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 22 × 675, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। लीजिए बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन बन गया, बिल्कुल ईजी और आसान, ऐसे ही करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया, ए प्लस बी ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया, उन्हें साल के अंत में 2,000 रुपये का लाभ मिला दोनों को, जिसमें बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपये बताया,
तो इसका मतलब ए को मिलेगा 1400 रुपये, क्योंकि दोनों का जो लाभ है 2000 रुपये है। यहाँ पर इसको छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 7 14, 2 3 6, ये क्लियर। ए ने कितना निवेश किया हमें ये बताना है। ए ने, बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपये लिया है, तो ए ने कितना धन निवेश किया था 15000 में हमें बताना। तो देखिए, ए का जो निवेश है 15000 रुपये में, ए का रेशो 7 है, टोटल हमारा हो गया 10। अब इसको हल करेंगे, 0 से मैंने 0 किया, 15 7 105 और 2 0 ये लगी, 10500 रुपये का निवेश किया। तो देखिए, ए ने कितना धन निवेश किया, 10500 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। और ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला पॉइंट, ये देख लीजिए, मैंने बताया है केवल ये दो ही पॉइंट होते हैं जिनसे हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन रख कर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए बी सी ने 4:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। ए बी सी ने प्रत्येक तिमाही के अंत में, ए ने अपनी पूंजी का आधा कर लेता है और बी अपनी पूंजी का दोगुना कर लेता है, सी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता, यदि वर्ष के अंत में, एक वर्ष लो किया उन्होंने, और प्रत्येक तिमाही, इसका मतलब एक वर्ष में तिमाही होती है 4, तो एक वर्ष के अंत में ए का लाभ मिला है इतने, तो कुल लाभ बताए। तो देखो, ए का पूंजी का अनुपात है 4, बी का 2 सी का 9, प्रत्येक तिमाही के अंत में इसकी जो तिमाही है ये और इसकी तिमाही ये लगेगी, और इन दोनों की तिमाही रहेगी, इसका पूरा वार्षिक रहेगा, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ये, तो प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी का आधा कर लेता है। अब देखिए, ए अपनी पूंजी का आधा करेगा, 4 का आधा 2 तिमाही 3, और बी अपनी पूंजी का दोगुना कर लेता है, 2 का दोगुना 4 तिमाही 3, सी में कोई बदलाव नहीं, बस एक बार ही हो गया, ये दोनों का बदलाव हो रहा है इनका, अगली जो तिमाही होगी उसमें 2 का आधा 1 और तिमाही 3, फिर 4 का दुगना 8 तिमाही 3, फिर 1 का आधा 0.5 तिमाही 3, फिर 8 का दुगना 16 गुणा 3, ऐसे करेंगे, ये 3 का मतलब तिमाही है ये। अब इनकी गुणा करके जोड़ेंगे, देखिए 4 3 12 3 2 6 12 6 18 3 21 और 1.5 साढ़े 22 हो गया, 3 2 6 4 3 12 6 18 18, तो ये होगा 8 3 24, ये हो गया 48, ये हो गया 8 8 16 4 20, हासिल लगे 2 6 2 8 1 9 90, 90 ये हो गया हमारा, और 12 9 108 ये हो गया हमारा। अब इन सभी को जोड़ेंगे, देखो ये हो गया हमारा 198, ये हो गया, और 22.5, ये 8 2 10 9 2 11 1 12 2, ये हो गया 220.5, टोटल हमारा जो है 220.5 है। इसमें हमें ए का लाभ दिया है उसने इतना, तो इसे हम लिखेंगे, ए का लाभ दिया है 24000, और यहाँ ए के लाभ का मान लिखेंगे 200, हाँ ये है ए का लाभ 22.5, और ये हमारा कुल लाभ हो जाएगा, कुल की गुणा कर देंगे 22 220.5, देखिए कुल की गुणा करेंगे 220.5, तो यहाँ से हमारा कुल लाभ प्राप्त हो जाएगा। लीजिए, बस इसको हल कर देंगे। अब मैंने क्या किया, दशमलव से दशमलव हटा दिया और कटिंग किया मैंने, 25 9 225
और 25 नंबर 225, 15 25 छिके 150, 0 क्लियर। 3 3 9 3 3 9, 3 2 6 0, फिर 3 से मैंने इसे काटा, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15 कटिंग। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 10 तो ये आएगी हमारी, 32 5 160, हासिल 16, 32 3 96, 6 6 12, हासिल 1 10 1 11, 2 न्यू देख लो, बाद का 200 आ रहा है, तो बाद का 200 हमारा इसमें आ रहा है, इसमें तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 235 200, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बस हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लास्ट डिजिट से ही हमें मालूम हो गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना है, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, कुल लाभ हो गया 23 52 00। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 2 साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है ये, चलिए देख लेते हैं। SSC CPO से रिलेटेड क्वेश्चन, ABC अपनी पूंजी को 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते हैं, तो यहाँ पर इनका जो रेशो है फ्रैक्शन में, इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनका LCM आ जाएगा 40 आ जाएगा, ए बी और सी एस एन, देखिए ध्यान से, इस एलसीएम को इन्हीं से बारी बारी डिवाइड करेंगे, इनका सिंपलेस्ट रेशो बन जाएगा 5 8 40 8 2 16, 4 2 40 10 3 30, 8 5 40, 5 5 25, क्लियर है। देखो ये रेशो बन गया इनका, आगे बढ़ेंगे, 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर लेता है, 4 महीने लो उसकी पूंजी ये रहेगी, इसके बाद इसमें 50%, 16 का 50% 8 होता है, 8 और बढ़ा दिया, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, ये वृद्धि कर देता है, लेकिन भी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है 4 महीने बाद, 4 महीने तक ये रहेगा, इसके बाद 20% की कमी, 30 का 80% हो गया 24, यानी 24 हो जाता है अब उसका, और सी कोई चेंजिंग नहीं करता, उसका 12 महीने तक ही धन रहता है, और वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला जो लाभ है ये है हमारा 28 21 00, 28 21 00, तो इस लाभ में से बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा पहुंचा है, तो बात वर्ष की गई है, 4 महीने धन ये रहा तो 8 महीने ये धन रहेगा ए के लिए, 4 महीने ये धन रहा तो 8 महीने ये रहेगा बी के लिए, और 12 महीने सी का रहा। चलिए अब देखिए इसको, रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, यहाँ से अब टोटल जो इनकी पूंजी का अनुपात है वो यहाँ से मिल जाएगा, अब इसे छोटा करेंगे, 4 कॉमन आएगा यहाँ पर, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 4 6 24, 4 3 12, चलिए अब इसको सिंपल करेंगे, 8 6 48 16, कितने हो गया 48 16, 8 6 14 5 6 64 हो गया, 64 हो गया, ये 8 6 48 30 78 हो जाएगा, और 25 3 75 रहेगा, क्लियर। अब देखिए सिंपल, इनकी आय का जो पूंजी है, पूंजी का रेशो आ गया ये, अब इसमें से बी का हिस्सा हमें बताना, टोटल इक्वल टू इक्वल करेंगे यहाँ पर, 5 8 5 13 4 17, हासिल 1 7 7 14, और हासिल 1 7 21, 217, ये मैंने 13 बार काटा और बाद की 2 0 ये लगाई, क्लियर। हमसे पूछा है बी का हिस्सा, बी में गुणा करेंगे यहाँ पर, 2 0 ये लगी, 13 8 104, हासिल 10, 13 7 91 10 101, लीजिए आ गया बी का हिस्सा आ गया 101, यानी कि 21 2 सैकड़ा 1000 10000 लाख 1 लाख,
1400 रुपये। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। तो देखो कैसे कैसे हमें सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इसको जरा सा भी मिस्टेक या जरा सी गलती कर देने से क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपके सामने क्लियर करा दी। अब यहाँ पर भी एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। देखो, ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपये अधिक निवेश किया। देखो, ए ने बी से, बी की पूंजी यह है, तो ए की पूंजी बी की पूंजी से 6 लाख रुपये ज़्यादा है, ये रहा, क्लियर। बी ने अपनी पूंजी 7.5 माह लगाई, 7.5 माह 15/2, ऐसा, क्लियर। और ए ने अपनी पूंजी बी से 2.5 माह अधिक लगाई, 2.5 माह, 7.5 से 2.5 और जोड़ दीजिए, इसका मतलब 10 माह तक लगाई, ये हो गया यहाँ तक। और ये हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,000, 10 लाख, 12,40,000 रुपये के कुल लाभ में से, 12,40,000 रुपये के कुल लाभ में से यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतने रुपए कम है, तो बी की पूंजी बतानी हमें कितनी लगाई। अब देखो, कुल लाभ हमारा 12,40,000 रुपये हुआ, 12,40,000, और बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतने रुपए कम है। अगर मैं अंतर खत्म कर दूं, इसमें से अंतर निकाल दूं और उसे 2 बराबर भागों में बांट दूं, तो बी का हिस्सा आ जाएगा, और उसमें ये वाला हिस्सा और जोड़ देंगे जो अंतर का, वो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं दोनों का अंतर, यह है 24,800। अंतर कितना बना, 2,020, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 2 गए 9, और 2 से भाग करेंगे बी का हिस्सा आ जाएगा ये लाभ का, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, 2 छिक 12, ये आ गया बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा यहाँ लिखेंगे 4,960,000 बराबर लगा देंगे ये, और बचा हुआ इसमें ये भी जोड़ेंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा। जोड़ लेते हैं 2, 3 जीरो से 3 जीरो, मैंने यहाँ लिखी 8, 6, 14, 5 और 9, 5, 14, 3 और 4, 7, ये हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे, बस यहाँ से हमें पी का मान आ जाएगा, पी का, और पी यानी कि बी की पूंजी आ जाएगी हमारी। अब इसको हम हल करते हैं, देखो 1, 2, 3 जीरो से 1, 2, 3 जीरो, और 5 दूनी 10, 5 तीय 15, और देखेंगे इनसे कटिंग हो जाएगी, ये 2 से काटेंगे, 2 तीय 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, और भी छोटा हो जाएगा, इससे कटिंग कर देंगे ऊपर से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, और छोटा हो जाएगा, 2 नंबर 18, 2 तीय 6, और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, क्लियर। अब ब्रज गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ी डिजिट है ये, ब्रज गुणा करेंगे, इसकी ऐसे गुणा और इसकी ऐसे गुणा। अब देखो 248 पी, ये लिखेंगे 248 पी प्लस 6 लाख की 248 में गुणा करेंगे, 3 जीरो तो ये आएगी, और 5 जीरो आएगी, ये 6 अट्ठे 48, 6 जब 24 और 4 28, 2 6 दूनी 12, 2 14, ये हो गया बराबर। अब 3 पी की गुणा यहाँ पर करेंगे 93, 3 तीय 9,
और तीनम 27 ये पी। अब देखो 279 पी में से ये घटाएंगे 248, तो बराबर रह जाएगा हमारा, इधर लिख लेंगे इसको 1488 और 50, 1 2 3 4 5 0 बराबर। अब इसमें से ये घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गए 3, 31 पी रह गया ये। अब देखिए 31 से ये मैंने इसे पूरा काटा 48 बार और बाकी 50 ये लगाई, तो ये आ गई बी की पूंजी। तो बी की पूंजी आ गई, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। ए बी सी का अनुपात 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में है, तो सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट रेशो में फाइंड करेंगे। इनका एलसीएम कितना आता है? इनका एलसीएम आएगा 30, 3/5/6 का एलसीएम 30। अब इसको सही रेशो में लिखेंगे, 3 2 30, 10 2 20, ए का रेशो आ गया 20। अब बी का रेशो निकालेंगे, 5 6 30 और 6 3 18 और 6 5 30, 5 5 25, ये हो गया हमारा। ए बी सी की जो पूंजी है उनका रेशो 20 18 25 है। अब देखिए 8 महीने बाद ही अपनी पूंजी का 25% बढ़ा दिया, यानी कि 8 महीने लो ये रहेगा 25%, 5 हो गया 25%, 5 और बढ़ गया, 1/4 होता है, 5 और बढ़ गया, तो यानी कि आप 25 हो गया। और वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ हुआ 58 20 का कुल लाभ हुआ, तो लाभ में सी का हिस्सा हमें बताना। अब देखो बात वर्ष की गई है, 8 महीने ये रहा, तो बाकी आगे 4 महीने तक ये पूंजी रही एक ही, और इसने 12 महीने तक ही लगाया और सी ने भी 12 महीने तक अपना धन लगाया। अब इसको छोटा करेंगे, 4 रेशो कॉमन है, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, ये 25 3 75 आ जाएगा, 18 3 54 आएगा, और 20 2 40 और 25, 40 और 25 आ जाएगा हमारा 65। अब देखेंगे इक्वल टू इक्वल करेंगे, 5 और 5 10 4 14, हासिल 1 8 6 14 और 5 19, 3 बार काटेगा ये इसको और ये 0, 30 बार। सी का हिस्सा पूछा है, सी में गुणा करेंगे, लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 2250 रुपये सी को मिलेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। ए ने 112,000 रुपये की पूंजी लगाई, ए ने 112,000 रुपये की पूंजी लगाई। 2 माह बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। इसके बाद 2 माह बाद सी ने 72,000 रुपये की पूंजी लगाई, क्लियर, और व्यवसाय में शामिल हो गया। देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, यहाँ तक व्यवसाय की। अब ध्यान देना क्वेश्चन की लैंग्वेज में, व्यवसाय की शुरुआत में 10 माह बाद बी ने 8,000 रुपये वापस लिए, 10 माह बाद, 2 माह बाद आए था टोटल शुरुआत से, 10 माह बाद यानी कि 8 महीने लो रहा ये। देखो 2 माह बाद ये आया, 8, ये हो गए 10 माह कंप्लीट, और ये इसके 2 माह बाद आया था, 6 माह लो इसका धन रहा, 4 माह वे 6 ये 10, बाकी आगे 2 महीने तक उसका धन रहेगा सी का, और इसका भी 2 महीने तक आगे धन रहेगा, क्योंकि 10 तो इसके 2 माह बाद ये, 8 ये 10, और आगे 2 माह बाद 12 महीने हो जाएगी। ध्यान से देखो ये बातें, सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए, देखिए 10 माह बाद बी ने तो ले लिए, कितने 8,000, कितना रह गया, ये रह गया 7200 रुपये, 72,000 रुपये रह गई है, 72,000 रुपये,
और आगे 2 महीने तक चलेंगे ये धनुष का, और इसके बाद आगे 2 महीने लो इसका धन रहेगा, और इसने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। 72 में से 8 घटाएंगे 64,000। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका धन 12 महीने तक ही रहेगा पूरे वर्ष तक। देखो मेन बात यह है, अब इसको हमें हल करना, मेन फॉर्मेट ये होता है, अगर इसमें गलती हो गई तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो 2 0 3 0 3 0 हमारी कॉमन है, कटिंग हो गई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्लियर। अब इनमें और भी कॉमन आएगा, जैसे हमने इसमें कॉमन लिया 4 4 3 12, 4 2 8 और 4 से 18 बार और 4 से 18 बार और 4 से 16 बार, क्लियर। और भी कॉमन आ सकता है, 2 2 5 10 2 6 12 और 2 कट गया और 2 यहाँ से कट गया और 2 नंबर 18 2 यहाँ से कटा, कितना रह गया देखो, 3 6 18 3 5 15 और 1 16, 80 है और 18 ये हो गया, 80 18 98, क्लियर। और 9 6 54 तो ये हो गया और 16 ये हो गया हमारा, 70 ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये छोटा हो जाएगा, और 2 8 16 2 4 8 2 से 49 बार काटा और 2 से 35 बार, क्लियर। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बी को वर्ष के अंत में उसके हिस्से में से लाभ 9800 रुपये प्राप्त हुआ बी को, तो बी को यहाँ पर लिखेंगे 9800 रुपये प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ बताए, कुल लाभ जोड़ लेंगे 5 9 5 14 4 18 हासिल 1 4 4 8 8 16, 168 है। यहाँ पर हम देखेंगे एक रेशो की वैल्यू होगी 200 रुपये, 200 की गुणा कर लेंगे, इसमें कुल लाभ आ जाएगा 2 0 2 8 16 16 2 32 और 1 33 33,600 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 33,600 रुपये कुल लाभ। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13, ABC साझेदार है, ए की पूंजी 5 माह तक लगी, ए की पूंजी 5 माह तक लगी और उसे लाभ हुआ 1/7 का, बी की पूंजी 7 माह तक लगी और उसे लाभ हुआ 1/5 का। देखिए इसे तो 1/7 का, बी को 1/5 का। सी ने 9 माह तक अपनी पूंजी लगाई और कितनी पूंजी लगी उसकी 9 माह तक 4600 रुपये लगी रही। चलिए तो ए ने कितनी पूंजी लगाई अपनी, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए लाभ बराबर हो पूंजी गुणा समय, तो सबसे पहले दोनों को लाभ कितना हुआ, ये ए को लाभ हुआ ये बी को हुआ, तो सी को देखेंगे कितना लाभ हुआ, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे 35 LCM आ गया, 7 5 12 दोनों का लाभ 12/35, शेष रह गया 23/35 जो कि सी का लाभ है। अब देखिए ए की पूंजी बटे सी की पूंजी बराबर ए का लाभ बटे सी का लाभ, तो ए की पूंजी होगी 5P बटे में सी की पूंजी 9 × 4600 बराबर ए का लाभ कितना है 1/7 और बी का 80 का लाभ है बटे में 23/35, 7 5 35 5 से 5 काटा 23 2 40 200 200 नंबर 1800, पी बराबर 1800 आ गया। तो इसका मतलब ए ने जो अपनी पूंजी लगाई थी वो 1800 रुपये लगाई थी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ABC ने व्यवसाय शुरू किया, ए ने कुल पूंजी का 33 से 1/3 निवेश किया, ए ने, देखिए 33 से 1/3% होता है 1/3, तो 1/3 तो इसने निवेश किया, फिर शेष पूंजी का शेष रह गया हमारा 2/3, इसका फिर 33 से 1/3 को 1/3 लिखेंगे, 2/9 बी ने निवेश किया
बचा हुआ सी ने निवेश किया, बचा हुआ। अब बचा हुआ कितना होगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे, एक बटे तीन जमा दो बटे नौ, नौ एलसीएम तीन ते नौ, तीन जमा दो पाँच बटे नौ, दोनों का होगा शेष चार बटे नौ, सी ने निवेश किया, ये रहा। क्लियर। वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ देखिए 20,250 रुपये का लाभ हुआ। तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। अब देखिए हमारा कुल कितना है, अगर इन्हें जोड़े एक है इनका टोटल, और यहाँ से हमें सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पर सी का लाभ दो, चार में से दो घटाएंगे, दो बटे नौ अधिक है, चार में से दो घटाए दोनों का एलसीएम नौ, दो बटे नौ अधिक है, सी का लाभ बी के लाभ से दो बटे नौ अधिक है करेंगे, नौ से काटा नौ दुनी अठारह, नौ दुनी अठारह नौ पंजे पैंतालीस जीरो, साढ़े बाईस दुनी हो गया पैंतालीस सौ, पैंतालीस सौ रुपये हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी ने एक चार चार के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई, ए बी और सी ने एक चार और चार के अनुपात में पूंजी लगाई, प्रत्येक तीन माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दोगुना कर रहा, बी अपनी पूंजी को आधा कर रहा, सी कोई परिवर्तन नहीं करता। देखिए तीन माह के लिए इसने लगाई, तीन माह के लिए इसने लगाई और इसने पूरी 12 माह के लिए लगाई, ए अपनी पूंजी को दोगुना कर रहा और तीन माह बाद, फिर दो का दोगुना चार, तीन माह बाद चार का दोगुना आठ, तीन माह बाद ये हो गया पूरा एक साल हो गया, ये आधा कर रहा है अपनी पूंजी को तीन माह बाद, दो का बाद एक, तीन माह एक का आधा पॉइंट पाँच, तीन माह बाद, और इसने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब देखिए इनकी पूंजी जोड़ेंगे, तीन और तीन दूनी छः, तीन नौ, नौ और बारह इक्कीस, चौबीस, इक्कीस चौबीस पैंतालीस, ये हो गया, ये हो गया बाईस पॉइंट पाँच जोड़ने पर, ये हो गया बारह चौक अड़तालीस। अब देखिए इन्हें तीनों को ये मिला है रेशो के रूप में। अब इसने कहा भाई वर्ष के अंत में यदि लाभ बी का हिस्सा इतना है, देखिए बी का इक्वल टू इक्वल करेंगे, और यहाँ बी बराबर होगा साढ़े बाईस, कुल लाभ बताए, कुल लाभ सबको जोड़ेंगे, आठ और चार पाँच तेरह, तेरह दो पंद्रह, आशी लेक पाँच दो सात, चार ग्यारह, एक सौ पंद्रह पॉइंट पाँच, एक सौ पंद्रह पॉइंट पाँच। अब देखिए साढ़े बाईस दूनी पैंतालीस, दशमलव एक से एक जीरो हटी और एक दो तीन जीरो तो ये लगी, दो की गुणा करेंगे दो पंजे दस, दो पंजे दस रेख ग्यारह, आशी लेक ग्यारह दूनी बाईस रेख तेईस। देखिए हमारा ये आंसर आ गया कुल लाभ, या इसको लिख सकते हैं लाख में, लाख में लिखेंगे इसे 23.1 लाख। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी ने क्रम से 13,750, 13,750, बी ने 16,250 और सी ने 18,750 रुपये निवेश किए। देखिए इनका छोटा रेशो बनाएंगे, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, 25 छिका 150, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125। अब और छोटा करेंगे इसे, पाँच से काटेंगे 11 बार, पाँच से 13 बार, पाँच से 15 बार, क्लियर। अब बी के लाभ का हिस्सा 5200 रुपये है, इक्वल टू इक्वल करेंगे, बी के लाभ का हिस्सा 5200, एक रेशो की वैल्यू आ गई 400 रुपये, कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ, कुल लाभ कितना है हमारा आनुपातिक रूप में देखिए, 5 3 8 1 9,
एक दो तीन उनतालीस, उनतालीस में 400 की गुणा करेंगे, दो जीरो चार नम 36, तीन चारते 12, तीन 15, 15,600 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, 15,600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ए बी ने क्रमशः 92,500 रुपये ए ने लगाए, बी ने 11,250 जीरो, ये बी का लाभ ये है तो ए का बताए, दो जीरो से दो जीरो काटा और छोटा करेंगे इसे, 25 तीय 75, 25 सत्ते, देखिए 25 तीय 75, 92 में से 75 घटाएंगे, 12 में से 5 गए 7, 8 में थे 7 गए 1, 25 छः डे रहे 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100, 25 नम 25 पंजे 125। अब देखें ए की पूंजी बटे बी की पूंजी, ए की पूंजी 37/45 बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ हमारा है 9,000। देखिए 45 दुनी 90, 200 बार कटा, 37 दुनी 7400, ए को लाभ मिला 7400 रुपये का। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी का लाभ 8-7-5 के अनुपात में है, उन्होंने 7, 8 और 14 माह तक पूंजी लगाई, तो पूंजी का अनुपात बताए। अब देखिए पूंजी बराबर होगा लाभ बटे समय, लाभ के बटे में समय आ जाएगा पूंजी आ जाएगी, लाभ हमारा 8 है, दूसरा 7 है, फिर 5 है, और बटे में समय लिया है इसके 7, 8, 14, ये आ गया पूंजी का अनुपात। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, एलसीएम लिया 56, इन संख्याओं का एलसीएम लिया, 7, 8, 56, 8, 8, 64, 8, 7, 56, 7, 7, 49, 14, 14, 56, 4, 5, 20। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, उनकी पूंजी का अनुपात आ गया 64, 49, 20, 64, 49, 20। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 19, ए बी सी ने 13,750 रुपये लगाए, 13,750, और बी ने लगाए 16,250, और सी ने लगाए 18,750। छोटा रेशो बनाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे, फिर 25 पंजे, 25 छः 150, 25 पंजे, 25 सत्ते, 25 पंजे कटिंग होगी, फिर 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 15 बार। यहाँ पर बी का लाभ है 5200 रुपये, इधर बी की पूंजी के बराबर उसका लाभ, एक रेशो की वैल्यू आ गई 400 रुपये। उसने पूछा ए व सी के लाभ में अंतर, ए व सी के लाभ में अंतर कितना है, सी का 15, ए का 11, अंतर 4 है, 4 में 400 से गुणा करेंगे, 1600 रुपये का अंतर होगा। लीजिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 1600 रुपये, ऑप्शन बी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नया चैप्टर चलेगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पार्टनरशिप का, चैप्टर नंबर 12, इसमें केवल 20 क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ए बी सी ने व्यवसाय में कुल धनराशि लगाई, ए प्लस बी प्लस सी ने 75,500 रुपये का धन लगाया, जिसमें ए बी और सी की बात की जाए तो ए ने बी से 3500 रुपये अधिक और बी ने सी से 4500 रुपये ज़्यादा लगाए, और ए ने बी से 3500 यानी कि 8000 रुपये रहेंगे। अगर ये 8 और 4 12,500 का अंतर हम इसमें से खत्म कर दें तो तीनों को बराबर बराबर राशि मिलेगी, तो चलिए हम घटाते हैं 8,000 और 4,000 12,500 रुपये को, तो हमारा रह गया 63,000 रुपये रह गए हमारे। देखिए 63,000 को हम 3 से भाग करेंगे, 21,000 रुपये बैठता है, एक रेशो की वैल्यू, तो
तो 21,000 इसके थे, 21 और 4 25,500, 21 और 8 29,000, ये रहा 2 0 से 2 0 काटी ऐसे, और छोटा करेंगे 5 से 5 5 25 5 8 5 5 5 25 5 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
हमारा 45,300 रुपये, हमारा कुल हो गया 2, 1, 3, 8, 3, 11, 81, 5, 5, 10, 5, 15। देखिए 15, 3, 45, 1, 3, 3, 300 बार काटा, एक रेशो की वैल्यू 300। हमसे पूछा है ए का लाभ बताएं, ए में गुणा करेंगे 300 की, 2, 0 ये लगी, 3, 8, 24, 2, 3, 5, 15, 2, 17, 17,400 रुपया। तो देखिए 17,400 रुपया मिला ए को कुल लाभ का, और ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन आपके सामने है।